मौला कायनात ने जो मदीने को तर्क किया और आप चले गए कोफा की तरफ इमाम जानते थे कि आपके मद्दे मुकाबल लश्कर कशी होगी लोग आपके खिलाफ जंग करेंगे क्योंकि आपका आदल लोगों से गवारा नहीं था मौला कायनात को शहीद ही इसलिए किया गया कि आप अपने आदल में बहुत शिद्दत के साथ अमल करते थे तो लिहाजा आपके आदल की वजह से लोगों को आ, वो जो दुश्मनी थी वो जाग रही थी कि आपने सबके जो वजायफ थे उनको उनकी हदबंदी कर दी हर एक को उसका हक़ मिलना शुरू हो गया बिला तफरी के मज़ब और मिलत और कौम जहाँ से वो आए थे हर एक कोई माम ने बराबर दर्जा देना शुरू कर दिया जबकि आप जाते हैं कि तीसरी हुकूमत के ज़माने में हजरत ऊस्मान बिन अफान ने बनी उमैया को नवाज़ा अजवाज रसूल के वजीफ़ों को काट लिया सिवाय चंद एक के और फिर आपने काफ़ी अकरा परवरी का सबूत दिया और ये मिसालें पहले ही मिलती हैं इस तरह की मौला कयात ने क्या किया आपने जाके हर एक को वो आ, हिस्सा देना शुरू कर दिया जो अल्लाह के रसूल या तो देते थे या उन्होंने तय कर दिया था कि ये दिया जाएगा फिर उसके बाद जो है वो मदीने की हरमत ये थी कि उसको पामाली से बचाना वाजिब था आप देखे अगर मौला कायनात कोफा ना मुंतकिल होते तो बीबी आयशा ने जो लश्कर कशी की थी और वो आपसे लड़ने के लिए आ गई थी वो जंग कहाँ पे होती वो जंग होती मदीने की गलियों में मदीने के दरो दीवार जो है वो खून से भर जाते फिर जब वो आ, मुआविया इब्ने हिंद ने जंग का ऐलान किया इमाम अली साफीन के मैदान में वो आया तो वो जंग कहाँ होती वो हमला मदीने पे होता नहरवान का हमला कहाँ पर होता मदीने में तो मदीने की हुरमत तो बचाना वाजिब था मौला केला ने पहला काम ये किया कि आपने हरमत मदीना के पेश नज़र आपने वहां से आ, उसको दारकूमत को तब्दील कर दिया ये पहली बात दूसरी बात ये थी कि आप देखें कोफा जो है वो दूसरी खिल, दूसरी हुकूमत के ज़माने में हजरत उमर बिन ख़ताब ने इस शहर को आबाद किया इसको एक फौजी छावनी बना दिया और वहाँ पर आपने आ, उन्होंने अपने लश्करों लश्करों को बिठाना शुरू कर दिया तो इमाम अली को जो सबसे बड़ा एक थ्रेट था वो यही था कि कोफा के लोग के जो खिलाफत दो वम यानी हजरत उमर की हुकूमत में वहाँ पर आबाद हुए थे अब उन्होंने कोई शियान अली को तो आबाद नहीं किया होगा ना तो उन्होंने अपने मानने वालों को आबाद किया कि वो हमला करके मदीने को नुकसान ना पहुंचाएं लिहाजा आपने वहां जाकर क़याम किया ताकि वहां पर कोई बगावत कोई सूरज ना उठ सके और सबसे आखिरी बात देखें हम मौला के साथ तो ये लफ्ज़ कि वो सियासी गलती या नहीं ऐसा तो नहीं कर सकते सियासी गलती इमाम से हो नहीं सकती इमाम कोई गलती नहीं कर सकते इसी तरह की भी ना सियासी ना मजहबी ना अखलाक ना किरदारी ना जाहरी ना बात नहीं किसी तरह की भी बात यह है कि आप देखें कि इमाम का ये अमल क्या उसके बाद किसी ने इसकी असलाह की गलती अगर होता ये अमल गलती होता है तो कोई ना कोई बात भी कर देता इमाम अली की इस जो हमत अमली थी कि आपने कैपिटल को मूव कर लिया मदीने से कोफा तो क्या उसके बाद किसी ने वापस मदीने में इसको मुंतकिल किया क्या उसके बाद इमाम के कितने बडे बड़े दुश्मन मैदान में आए मतलब माविया इबन हिंद जैसा बदतरीन दुश्मन अली बदतरीब के जो मेम्बरों पर और अब रसूल को कह कह कर मौल कायनात पे सबोश खत्म करवाता था वो शख्स भी ये जुबरत ना कर सका कि वो कहता कि भाई खूफा गलत दारकूमत है मैं इसको वापस बदले लेके जाता हूँ नहीं उसने भी जब हुकूमत संभाली तो वो शाम में रहा फिर उसके बाद यजीद उसका बेटा वो भी शाम में रहा उसके बाद जितने भी अफराद आए कोई शाम में रहा कोई कोफा में आ गया किसी ने बगदाद वगैरह में जगह बना ली मामून रशीद खुरासान चला गया कुछ रिवायतों में सिर्फ चंद रवायत में मिलता है कि मरवान बिन हकम ने जो कुछ महीने हुकूमत की उसने चूंकि वो मदीने में रहता था तो उसने मदीने को हुकूमत बनाए रखा खुद वो सफर पर रहता था असल में तो ये मक्के का था इसके अबाव अजदाद मक्के के थे तो एक कोशिश इसने ये की कि मैं मक्के को वापस हुकूमत का मरकज बना लूं कुछ रिवायात में यह है कि इसने कहा कि चले जहां पर जैसे चल रहा है चलने दें वो खुद सफर पर कभी मक्का चला गया कभी कोफा कभी बगदाद कभी यहां वहां कभी शाम वगैरह यानी वो एक पोर्टेबल हुकूमत चला रहा था बाकी किसी शख्स ने भी इमाम के इस अमल को अंडू नहीं किया बनी उमैया के लोग आए बनी अब्बास के लोग आए एक से बढ़ के एक जालिम बदब्त और मलून हाकिम बनता रहा लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि हम वापस चलते हैं मदीना क्योंकि मदीना एक ऐसी जगह थी कि जिसकी हरमत जरूरी थी जहां से कुछ खास खतरा नहीं था शोरिश का जहां पर अल्लाह के रसूल के आसार असाब और अहले बैत और अजवाज के आसार मौजूद थे तो उनकी हिफाजत के लिए जो इमाम ने काम किया उसको हती के इमाम के दूसरों ने भी उसको फॉलो किया तो इमाम का बिल्कुल दुरुस्त फैसला था और इमाम ने इस पर अमल किया और उसकी मिसाल बनती गई हमेशा के लिए तो ये इमाम की सियासी बसीरत का सबूत है गलती नहीं थी